Good morning student. Today we are start new exercise 6.4. okay, 6.4 को हम start करेंगे. Question number first क्या है? Is it possible to have a triangle with the following sides? यानी कि ये जो sides हमें दी हैं इनमें क्या एक triangle possible हो सकता है बनना, तो हम वो बताएंगे. Okay, तो पहले ये देख लेते हैं कि triangle कैसे पता चलता है. तो देखो, since a triangle is possible whose sum of the length of any two sides would be greater than the length of third side, यानी कि ये जो two sides हैं अगर इनका sum इस third side से greater आएगा तो ये triangle इनका बनना possible है, और अगर नहीं आएगा तो possible नहीं है. तो जैसे हमने 2 और plus 3 किया तो third side हमारी क्या है 5, इससे ये बढ़ाना चाहिए. तो 2 में 3 plus करेंगे तो 5, यानी कि 5 ये तो equal आ गया, तो ये possible नहीं है, तो इसको हम नो ले लेंगे. ओके, यानी कि नो. थर्ड में क्या हो जाएगा, फिर हम दूसरा लेंगे 3 प्लस 5, तो टू साइड हो जाएगी ये थर्ड साइड, कितना बनेगा 8 ग्रेटर देन 2, ये बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा यस इसमें आ जाएगा यस. ठीक है, ऐसे हम लेते जाएंगे. ठीक है, ये लिया 2 प्लस 3 किया तो 5, तो नो आ जाएगा. फिर 2 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 7, तो 7 बड़ा रहेगा 5 से, तो इसमें क्या आ जाएगा यस. ओके, और नेक्स्ट थर्ड लाइन हो जाएगी 3 प्लस 5, ये मैंने बताया था अभी आपको 8 2, तो क्या आ जाएगा यस. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर टू साइड्स को हम लेंथ को प्लस करेंगे तो थर्ड साइड से एक ग्रेटर आना चाहिए, तो हमारा बनेगा क्या ट्राइंगल. अब सेकेंड वाले में आप देखें तो 3 प्लस 6 ग्रेटर 7, तो कितना आएगा 3 प्लस 6 हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 7, यस, क्योंकि ये ग्रेटर देन आ रहा है. ओके, नेक्स्ट 6 प्लस 7, इसी को प्लस करेंगे, 6 प्लस 7 ग्रेटर देन 3, तो क्या आएगा 6 प्लस 7 13, तो ग्रेटर देन 3. जिस साइड इसका ये मुंह खुला रहता है ये वो होता है ग्रेटर, और ये जिस साइड बंद रहता है वो होता है लेस देन. ओके, तो यस ये तीनों के हमारे बन रहे हैं. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, द ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इसकी जो फर्स्ट लाइन थी वो क्या थी नो थी, और इसमें क्या है दिस इज ट्राइंगल इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसमें तीनों में क्या आ रहा है यस आ रहा है. ओके, थर्ड वाली में वही दिस इज नॉट पॉसिबल ट्राइंगल बिकॉज 6 प्लस 3 इक्वल क्या होगा 9, तो ग्रेटर देन 2 यस. ओके, बट लास्ट वाला 2 प्लस 3 हम करेंगे, 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 6, बट दिस इज 5 ग्रेटर देन 6, तो ये क्या है लेस देन, ग्रेटर देन चाहिए हमें, तो क्या आ जाएगा इसमें नो, तो दिस दिस ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सेकंड वाला हम करेंगे, इसी का क्या लिखा, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, ये पी क्यू आर हमारा ट्राइंगल, इसमें हमने इंटीरियर लिया. ठीक है, तो हमें बताना है कि ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, क्या बताना है ओ पी, इनको हम पहले ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो बताना है हमें कि ओ पी प्लस ओ क्यू, यानी ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को जब प्लस करेंगे तो पी क्यू के इक्वल आना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए ग्रेटर देन आना चाहिए. ठीक है, तो क्या ऐसा होगा यस पी क्यू पी ओ क्यू फ्रॉम अ ट्राइंगल, यानी कि जो पी ओ क्यू है ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा ये वाली जो लाइन होगी ओ क्यू वाली, ओ पी और ओ क्यू को हम प्लस करेंगे तो वो पी क्यू से क्या आएगी ग्रेटर देन आएगी, तो इसमें ऐसा आ जाएगा. सेकंड ओ क्यू, ये ओ क्यू है, उसके बाद ओ आर ये वाली ग्रेटर देन क्यू आर, यानी किससे इस वाली से ग्रेटर देन होगी यस, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इस वाली से ये ग्रेटर देन होगी. ओके, नेक्स्ट ओ आर कहाँ पे है ओ आर, ये ओ आर प्लस ओ पी ये वाली ग्रेटर देन आर पी, यानी दिस साइड, तो क्या होगा यस, तो आर ओ पी फ्रॉम अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल तो है. ठीक है, तो ऐसे करना है. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे.